हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग सेशन को भैया शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग कुछ हिंदी की महत्वपूर्ण ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका एक टॉपिक जो है तद्भव तत्सम, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं और बहुत सारे तद्भव तत्सम के क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से सही होने वाले हैं। तो एक बार सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, आप लोग अधिक से अधिक। और यहाँ पर अन अकेडमी पर बच्चे देख सकते हो आप लोग, सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक हो रहा है 28 तारीख से। तो एक बार 28 से पहले आप सभी लोग रेफरल कोड लगाइए ABSIR10, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और सब्सक्रिप्शन फटाफट आप लोग कर सकते हैं। देख सकते हो आप लोग, ये एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है, SSC का मेगा ऑफर है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप अवेल करते हैं तो 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, और अगर आप 2 ईयर का करते हैं तो आपको यहां पर 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो ये तो आपकी CET एग्जाम कॉम्बो में हो गया, और अगर आप SSC का करते हो तो 1 ईयर में आपका 4 मंथ का है, और उसके बाद में प्रॉमिस ऑफर SSC के लिए 2 ईयर में 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, यानी कि 2 ईयर में 8 महीने का और 1 साल में 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आप सभी विद्यार्थियों को बच्चे यहां पर दिया जा रहा है। तो एक बार जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग भैया ABSIR10 कोड का प्रयोग कीजिए और फटाफट से आप लोग सब्सक्रिप्शन कीजिए। और देख सकते हो आप लोग यहाँ पर एक कॉम्बैट है, इस कॉम्बैट में जरूर आप लोग इनरोलमेंट कीजिए अपना, जिससे आप लोग शानदार जानदार प्राइज भी जीत सकते हैं। एवरी संडे आपका एक टेस्ट होता है, उसमें अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस जरूर दीजिए। इनरोलमेंट करने के लिए फ्री में इनरोलमेंट होगा अगर आप ABSIR10 कोड से इनरोलमेंट करते हैं तो, और आप लोग बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की ट्रिक की। लेकिन उससे पहले एक SSC GD का बैच आपका आने वाला है, इसमें आप लोग इनरोलमेंट जरूर कीजिएगा। ABSIR10 कोड का प्रयोग यहाँ पर भी करना है। तो देख सकते हो आप लोग तद्भव तत्सम की ट्रिक क्या है, कई सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अधिकतर शब्दों में अगर मान लीजिए किसी भी शब्द में ना आता है, अगर मान लेते हैं आपका किसी भी शब्द में बच्चे ना आता है तो ना की जगह पर आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी भी शब्द में आपका ना आ रहा है तो ना की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ना की जगह बच्चे आपका हो जाएगा अणा। देख सकते हो ना, ये रामायण वाला अणा हो जाएगा ना की जगह पर, ये बात आपको याद रखना है। ना की जगह पर अणा, यानी कि ना तद्भव में होगा तो तत्सम में अणा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहां पर मैंने दिया हुआ, किरण है तो किरण हो गया, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। कान लिखा हुआ है ना, तो देखिए यहां पर भी आ गया कर्ण, तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। त्रिगुणा लिखा हुआ है त्रिगुण, देखिए ये भी अणा हो गया, ये भी तत्सम हो गया। कोण लिखा हुआ है कोण, ये भी आपका तत्सम हो गया। लेकिन कुछ अपवाद ही भी हैं, यहाँ पर ना नहीं आया है, रा आया है तो पूरा का पूर्ण होता है। लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया अधिकतर, अधिकतर के मतलब 99.9% शब्दों में ना का रा हो जाएगा, रा वाला तत्सम, ना वाला तद्भव। क्लियर हो गई मेरी बात। ये दूसरी ट्रिक क्या है, अधिकतर शब्दों में अगर खा ता और जा है तो याद रखना है, ये जो खा है जब तत्सम बनाओगे तो खा की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, खा की जगह पर क्या हो जाएगा, क्षत्रिय वाला छा हो जाएगा। और ता की जगह पर क्या हो जाएगा, ता की जगह पर क्या हो जाएगा, ता की जगह पर नेत्र वाला त्रा हो जाएगा। ठीक है, और जा की जगह पर क्या हो जाएगा, जा की जगह पर ज्ञानी वाला ज्ञा हो जाएगा। यानी कि खा का क्षत्रिय वाला छा हो गया, ता का नेत्र वाला त्रा हो गया, और जा का ज्ञानी वाला ज्ञा हो गया। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। जैसे एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हुए हैं, खेत का भैया खेत्र हो गया, खीर का खीर हो गया। देखो खा का हो गया ना क्षत्रिय वाला छा, ता का क्या हो गया, हो गया ना। उसके बाद में आखर अक्षर हो गया, कोण कोण हो गया, ना वाला ना वाला हो गया, नखत का नक्षत्र हो गया। तो याद रखिएगा जो मैंने ये जो लिखा हुआ है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। खा छत्री वाला छा,
ता नेत्र वाला त्रा, ठीक है याद रहेगा। तो खा ता और जा ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है भाई याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर संख्यावाचक तद्भव तत्सम। देखिए जब भी हम लोग संख्यावाचक तद्भव तत्सम पढ़ना शुरू करते हैं तो एक विद्यार्थियों के मन में बड़ी समस्या आती है कि सर कौन कौन सा होगा क्या होगा। बस सीरीज याद रखो, 20 की सीरीज विंशति है, 21 आएगा एक विंशत, 22 आएगा द्वाविंशति और 29 तक चलेगा, 30 में त्रिंशत आ जाएगा। तो ये सब इधर वाले तत्सम होंगे और ये सब आपके तद्भव होंगे, ठीक है। 60 का षष्ठी बहुत पूछा जाता है, 80 वाला बहुत पूछा जाता है, 90 वाला बहुत पूछा जाता है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप लोग जरूर रट लीजिएगा। तो संख्यावाचक में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए सा का प्रयोग हो रहा है तो 99% शब्द आपके तत्सम होंगे, अगर सर्वता वाले सा का प्रयोग हो रहा है तो 99% आपके शब्द तद्भव होंगे। ये वाले सा से अगर शब्द होगा कोई भी तो वो आपका सब तत्सम, अधिकतर शब्द तत्सम होंगे, और अगर सर्वता वाला आएगा तो वो अधिकतर शब्द आपके तद्भव होंगे। जैसे आप देख सकते हो सेज लिखा हुआ है सैया, तत्सम 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 तत्सम, तद्भव 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 तद्भव, याद रहेगा भाई हाँ या ना एक बार बताओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर छा वाला आएगा, अभी हमने बताया भी आपको खा का वहाँ पर छा हो जाता है, क्षत्रिय वाले भी अगर शब्द आएगा तो ये भी आपके लगभग तत्सम होते हैं, ठीक है अधिकतर शब्द 99% आपके तत्सम होंगे। लेकिन अगर क्षत्रिय वाले छा से शुरू हुए हैं तो आपके तद्भव हो जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तत्सम सबसे पहले देख लोगे, छीण तत्सम 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 तत्सम, यहाँ पर भी देखिए आ गया ना, ये आ गया लक्ष्मी, तत्सम तत्सम शुरू होंगे या बीच में आएंगे, दोनों से है हुआ भाई, ठीक है। और छत्री वाला छा तद्भव 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 तद्भव, ये सब आपके तद्भव हो जाते। इसी तरीके से अगर बा पेट फटा हुआ आए किसी भी शब्द में तो समझ लेना वो आपका अधिकतर शब्द तद्भव होंगे। देखो तद्भव 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 तद्भव, ये सब तद्भव हैं। तत्सम 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 तत्सम, इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई। तो निश्चित रूप से ये ट्रिक आपके काम में एग्जाम में बहुत आने वाली है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सारे लोग ट्रिक्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है जिससे आपके तद्भव तत्सम के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है भाई याद रहेगा। आस्क अ डाउट, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो और इस डाउट के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। प्राइस हाइक होने वाला है 28 से, तो उससे पहले सब्सक्रिप्शन आप सारे लोग कर लेंगे। अब देखिए मेगा ऑफर है, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 1 साल पर 6 महीने और 2 साल पर आपका 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अगर केवल SSC का अवेल कर रहे हैं तो 1 साल पर 4 महीने और 2 साल पर 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अवेल किया जा रहा है। तो एक बार कोड लगा लीजिएगा आप सारे लोग ABCERTAIN, इससे आप लोगों को निश्चित रूप से डिस्काउंट मिलेगा बच्चे, ठीक है। कॉम्बैट में भी हिस्सा लीजिए, कॉम्बैट में भी आप लोग कोड लगाइए इनरोलमेंट करने के लिए ABCERTAIN, और संडे को आप लोग शानदार जानदार तरीके से टेस्ट दीजिए, प्राइज जीतिए, ठीक है बच्चे। तो सेशन अच्छा लगा हो एक बार तो बढ़िया तरीके से शेयर जरूर करोगे, लेकिन उससे पहले SSC GD का जो क्लास है इसमें आप लोग इनरोलमेंट सारे के सारे विद्यार्थी जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।